नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। त्योथर जनपद शिक्षा केंद्र त्योथर के शंकुल के अंतर्गत शासकीय कन्या विद्यालय कुठिला संचालित है, जहां पर एक मामला प्रकाश में आया है कि उक्त कन्या विद्यालय में पदस्थ शिक्षक कविलास मांझी काफी दिनों से अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं और उनकी शिक्षा विभाग में पकड़ कितनी मजबूत है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब से उनकी नियुक्ति कन्या विद्यालय कुठिला में हुई है, केवल हस्ताक्षर बनाकर सदैव विद्यालय से नदारत रहते हैं और अपनी जगह एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा लगातार कई वर्षों से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। विद्यालय के हेडमास्टर ब्रजेश कुमार मिश्र द्वारा इसकी कभी कोई शिकायत उच्चाधिकारियों को नहीं की गई। शंकुल प्राचार्य या तो कभी अपने शंकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का कभी दौरा नहीं करते हैं। सकुल प्राचार्य एवं विद्यालय के हेडमास्टर का खुला संरक्षण प्राप्त हो रहा है। एक कहावत है, एक अकेला सब पर भारी शिक्षक मस्त है, शिक्षा विभाग पस्त है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कविलास मांझी शिक्षक सदैव नशे के हालत में रहते हैं। विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी भी है, लेकिन क्या वजह है कि संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जबकि कई बार समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर खबरों का प्रकाशन भी हुआ, लेकिन मामला जस का तस ही है। कन्या विद्यालय कुठिला में कभी भी कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा, जो जाँच का विषय है, जिसकी जाँच आवश्यक है। खंड शिक्षा अधिकारी त्योथर जनपद शिक्षा केंद्र त्योथर जिला शिक्षा अधिकारी रीवा का ध्यान कन्या विद्यालय की ओर कब जाएगा, या इसी तरह चलता रहेगा, या शिक्षा के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। सेवार्थ आइए, शिक्षार्थ जाइए। आपकी खबर हमारी नजर। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट।